बंदे परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे जारी आलम का बाप औलाद अली मذهب अंबिया दारुल मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम दे साया अरबली गौसे आजम बने बेसर और सामा मदद क़िबला दीन मदद काबे इमाम मदद इन अल्लाह मलाइकातुहु यसल्लुना अला नबी يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا بھی تو الکتاب आगे फरमाते हैं आलमे आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके ज़ुहूर से ही दुनिया में उजाला आया, आपके दुनिया में वजूद से आपके दुनिया में आने से ही दुनिया एक अंधेरे में थी, दुनिया एक जुल्मत में थी, या रसूल अल्लाह आपके वजूद से आपके आने से दुनिया में उजाला और नूर बरसने लगा। फरमाते हैं आलमे आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़र्रे रेत को दिया तूने तुलुए आफ्ताब। नकल बात फरमाते हैं कि मैं शौक अगर तेरा न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा सुजूद भी हिजाब मेरा क़याम भी हिजाब। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं नमाजें पढ़ूँ रोज़े रखूँ सब चीज़ करूँ मगर उस चीज़ में आपकी मोहब्बत न हो तो सब बेकार है। इसीलिए अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना हो, इसी में हो अगर खामी यानी ईमान और मोहब्बत में ही कमी है तो नमाज भी बेकार आपके रोज़े भी बेकार ज़कात भी बेकार हज और तमाम चीज़ें बेकार है, मगर नमाज ही नहीं रोज़े नहीं हज नहीं ज़कात नहीं मगर नबी से मोहब्बत है ईमान है एक ज़र्रा बराबर भी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अगर किसी के दिल में भी एक राई के दाने के बराबर मेरी मोहब्बत होगी ईमान होगा कल क़यामत में वो मेरी शफ़ात का हक़दार होगा एक ज़र्रे के बराबर राय के दाने के बराबर। अब दुनिया में हमें भेजने का मकसद ये है, अल्लाह का दुनिया में बंदों को भेजने का मकसद ये है, कयामत नाजिल करने का मकसद ये है कि दुनिया में भी अपने महबूब के शान दिखाए और कल कयामत में भी नबी के शान दिखाए। दुनिया को वजूद बख्शा में अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े, दुनिया को वजूद में लाया अल्लाह ने अपने महबूब के वसीले से और कल कयामत नाजिल फरमाएगा अपने की शान और अजमत को दिखाने के। तो इमाम हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और फरमाते हैं कि हाकिमों शकियों हाकिमों मुख्तार मान उसे आज दुनिया में कल सब कुछ देख कर माना तो फिर क्या कल कयामत में। आज जो लोग कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाम पे लब पढ़ते हैं सलाम पढ़ना बैठ के पढ़ना चाहिए या खड़े होकर पढ़ना चाहिए, नमाज के बाद पढ़ना चाहिए या नमाज से पहले पढ़ना चाहिए, अजान के बाद पढ़ना चाहिए या अजान से पहले पढ़ना चाहिए। अरे यार जिसे ये पता नहीं चला दुनिया में कि नबी की असमत क्या है वो कल कयामत में कब्र में जाकर किसको पहचानेगा। जब दुनिया में जो इंसान नबी को नहीं पहचान सकता तो कब्र में जाकर वो ये क्या अर्ज करेगा हाय हाता हाय हाता ना आदमी मुझे क्या पूछता मैं कुत्ता तक हूँ रब्बी हक़ी हाज़िर रजुल इस मर्द के बारे में क्या कहता था। वो बंदा कहेगा कि अफसोस मैं से नहीं जानता ये कौन। दुनिया में अगर सलाम पढ़ा होता नबी से मोहब्बत की होती नबी से इश्क किया होता तो यहाँ जितनी मोहब्बत करेगा अल्लाह सुभान व तआला उस बंदे को वो बीना ही अता फरमाएगा कि कब्र में जाने के बाद फौरन नबी को पहचान लेगा। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि दुनिया में कब्र में जब फरिश्ता मुझसे पूछेगा कि बता इसके बारे में क्या कहता है क्या कहता था तो आला हज़रत फरमाते हैं कहूँगा सब और कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे बाग़े ख़लील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे और तेरे